हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिट एप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे इस सेशन में जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरबीआई सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है बच्चे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेसन तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर है तो फटाफट से आप सोल्व करिए साथ के साथ बनाने की कोशिश करिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पॉइंट एस इज फोर्टी मीटर टुअर्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी पॉइंट क्यू इज फिफ्टीन मीटर टुआर्ट्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस और पॉइंट यू इज ट्वेंटी फाइव मीटर टुअर्ट्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस तो पॉइंट टी इज ट्वेंटी मीटर टुअर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू पॉइंट आर इज फिफ्टीन मीटर टुअर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी और पॉइंट वी इज फिफ्टीन मीटर टुआर्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास तो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनाएंगे पॉइंट एस इज फोर्टी मीटर टुअर्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी तो जो एस है वो पी के नॉर्थ नॉर्थ में है ठीक है तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट एस है और जो पी से नॉर्थ में है कितना है भाई फोर्टी मीटर क्लियर है जी नेक्स्ट है कि पॉइंट क्यू इज़ फिफ्टीन मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस जो क्यू है वो एस से फिफ्टीन मीटर है वेस्ट में और पॉइंट यू इज़ ट्वेंटी फाइव मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस जो यू है वो एस से ट्वेंटी फाइव मीटर है तो मतलब ये यू है तो ये ट्वेंटी फाइव है ये क्यू तक फिफ्टीन है तो ये टेन हो जाएगा बच्चे नेक्स्ट है कि पॉइंट टी इज ट्वेंटी मीटर टूआर द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू क्यू के साउथ में टी जो है वो ट्वेंटी मीटर है तो अगर मैं कहूँ कि ये टी है और जो कि ट्वेंटी मीटर है साउथ में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ये पॉइंट पी है यहाँ पे ठीक है ये टी है पॉइंट जो ट्वेंटी मीटर है भाई क्लियर है नेक्स्ट है पॉइंट आर इज़ 15 मीटर टुआर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी जो आर है वो ईस्ट में है ठीक है ये आर है और ये कितना है 15 मीटर है ठीक है तो फिर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा और आर से पी कितना रह जाएगा हमारा 20 नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट वी इज 15 मीटर टुआर्ड्स सो द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी जो वी है वो 15 मीटर है पी के वेस्ट में तो पी के वेस्ट में फिफ्टीन मीटर है वी ये हो गया जी ये आपका पॉइंट V है जो कि 15 मीटर है अब ये T से R 15 है V से P 15 है R से P 20 है तो मैं इसको भी मिला देता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा T से V भी, भी 20 हो जाएगा आपका क्लियर है ये आपके पास इन्फॉर्मेशन और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन में कौन से पॉइंट है आपके पास या तो एस आर पी है या क्यू टी वी है तीन पॉइंट तो ये तो क्यू टी वी क्यू टी वी ऑप्शन डी में है टीवी क्यू तो टी वी क्यू ये आपका राइट right आंसर है सेकंड की बात करें पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर जो पी के डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू आर वो क्या होगी तो साउथ डायरेक्शन में पी ये पी है आपका आर से साउथ डायरेक्शन में तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्लियर है जी सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे देखो पहले स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास और उस पर वे दो कंक्लूजन है हमें बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा ठीक है तो अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो सबसे पहले देखो हमें वाई से बी जाना है वाई से बी जाने के लिए आपके पास क्या रास्ता होगा देखो वाई से आप जे जाएंगे जे से आप पी जाएंगे पी से क्यूँ जाएंगे और पी से क्यूँ से बी जाएंगे और जो साइन होगा वो ग्रेटर का होगा तो इसलिए पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल राइट right है अगर सेकेंड की बात करूँ आपको एक्स से जे जाना है एक्स से जे जाना है एक्स आपके पास ये रहा और एक्स से आप कहीं भी नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि आगे ब्लॉक का साइन है तो एक्स से ए आप जा सकते नहीं हैं और ए से कहीं भी नहीं जा पाएंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा इसलिए जो आंसर बनेगा यहाँ से वो ए बनेगा ओनली कंक्लूजन वन इज़ ट्रू क्लियर है जी चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है और इसमें पहला कंक्लूजन है जेड से क्यू जाना है आपको तो जेड से क्यू जब मैं जाता हूँ तो जेड से मैं ए जा सकता हूँ भाई जेड से ए जा सकते हैं हम बड़े आराम से जेड से ए चले गए और ए से बी जा सकते हैं और बी से क्यू जा सकते हैं तो जेड से जब ए जाएंगे और ए से बी जाएंगे और बी से क्यू जाएंगे तो जेड और क्यू के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो ग्रेटर दैन इक्वल का बनेगा यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनेगी या तो जेड ग्रेटर होगा या जेड इक्वल होगा और पहला ऑप्शन जो है पहला कंक्लूजन जेड इक्वल दे रखा है और सेकंड जेड ग्रेटर दे रखा है तो दैट मीन्स यहाँ से जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा आइदर और ठीक है तो दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई आइदर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू क्लियर है भाई सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो बच्चे ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ठीक है चलिए देखते हैं एट पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल सम ऑफ आर फेसिंग इन साइड द सेंटर वाइल द सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर तो एट पर्सन है तो इसी तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे भाई एट पर्सन है तो इसी तरीके का डायग्राम बनेगा हमारा सारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे कुछ का फेस अंदर की तरफ है कुछ का फेस बाहर की तरफ है बट ये नहीं जानते कि किसका फेस किधर की तरफ है पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं वी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू जो वी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू है अगर मैं अपना राइट जो है राइट ले रहा हूँ अपना लेफ्ट लेफ्ट ले रहा हूँ तो वी और डब्लू के बीच में टू पर्सन होंगे इतना क्लियर है एस सिर्स सेकंड टू द लेप्टॉप पी जो एस है सेकंड टू दैप्टॉप पी है तो दोनों के बीच में एक पर्सन होगा right right तो और टी हो जो है वो एस के थर्ड राइट right है बोथ टी एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन है तो टी वी और क्यू तीनों की सेम डायरेक्शन है ये बात भी हमें बताई गई है यहाँ पे क्लियर है नेक्स्ट देखो यू सीट्स अपोजिट टू क्यू यू और क्यू एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं एंड क्यू इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ एस क्यू और एस नेबर नहीं है हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू पी तो पी और एस जो है पी और एस की अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है ठीक है नेक्स्ट वी इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ यू जो वी है वो यू का इमीजिएट नेबर नहीं है नेक्स्ट है आर नाइदर इट्स अपोजिट टू टी नॉर पी जो आर है ना तो एन के अपोजिट बैठा है और ना ही पी के अपोजिट बैठा है बोथ वी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन वी और डब्ल्यू की जो है वो सेम डायरेक्शन है और बोल रहा है कि डब्ल्यू इज फेसिंग इन साइड द सेंटर ऑफ द सर्कल डब्ल्यू जो है वो इन साइड द सेंटर है तो वी भी इन साइड द सेंटर होगा और हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन यही थी कि वी और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है अगर मैं मान के चलूँ कि ये वी है और ये W है क्योंकि W इन साइड द सेंटर है तो W के राइट में सॉरी लेफ्ट में थर्ड था V तो यही पोजीशन बनेगी और दोनों की सेम डायरेक्शन है तो दोनों का फेस अंदर की तरफ होगा क्लियर है नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि W इज़ फेसिंग इन साइड द सेंटर ऑफ द सर्कल वाईल बोथ R एंड U आर फेसिंग सेम डायरेक्शन टू ईच अदर बट अपोजिट टू S R और U जो है दोनों की सेम डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है बट अपोजिट टू एस एस से अपोजिट है ठीक है जी इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसके आधार पे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है अब देखो ये बताया गया है कि क्यू और एस आपस में नेबर नहीं है यहां पे ठीक है वी और यू भी आपस में नेबर नहीं है लेकिन यू और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है अब जो V और U अगर नेबर नहीं है तो दैट मीन्स ये हुआ कि U यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है तो U की पोजिशन या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी तो अगर मैं लेके चलूँ ये U है आपका ये U है और U और Q एक दूसरे के अपोजिट है ठीक है U और Q एक दूसरे के अपोजिट है और S जो है वो लेफ्ट में है किसके p के s इज़ इन द लेफ्ट ऑफ p तो अगर s ये है और p आपका ये है ठीक है ऐसा क्यों दिया हमने उसका रीज़न है धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहां पे मैं एस नहीं ले सकता क्योंकि जो एस है वो क्यू का नेबर नहीं है तो पी की पोजीशन यही होगी एस यहां पे होगा अब डायरेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर एस किसके लेफ्ट में है पी के एक छोड़ के तो पी का लेफ्ट क्या होगा भाई फिर आपका पी जो है वो आउटसाइड द सेंटर है पी आउटसाइड द सेंटर है ठीक है और टी वी और क्यू की सेम पोजि सेम डायरेक्शन है तो टी वी और क्यू तो वी इन है तो क्यू भी इन होगा और टी भी इन होगा ऐसा भी हमें दिया गया है और जो टी है वो एस के राइट में थर्ड है टी जो है वो एस के राइट में थर्ड है तो दैट मीन्स ये होगा टी और टी वी और क्यू की सेम डायरेक्शन थी तो तीनों का फेस अंदर की तरफ होगा ठीक है आर और यू की सेम डायरेक्शन है ठीक है और एस की इनके अपोजिट है ठीक है आर और यू की सेम डायरेक्शन है एस की इनके अपोजिट है और दूसरा हमें क्या बताया गया था कि पी और एस अपोजिट डायरेक्शन में है तो पी अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो एस अंदर की तरफ देख रहा होगा भाई क्योंकि P और S की अपोजिट डायरेक्शन है ऐसा हमें बताया गया तो S क्या है इन साइड द सेंटर है अब बच गया आपके पास R तो R इधर होगा और जो है S है वो R और U की सेम डायरेक्शन है बट S के अपोजिट है तो S इन साइड है तो R और U आउटसाइड होंगे

तो यू और क्यू के बीच में आपको क्लॉकवाइज देखना है तो यू और क्यू के बीच में चाहे क्लॉकवाइज देख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देख लो दोनों के बीच में तीन पर्सन है ठीक है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन हु अमंग द फॉलोइंग फेस इज वी तो वी को कौन फेस कर रहा है वी को फेस कर रहा है टी तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लियर है सभी को भाई चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट कुछ आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है एक इसमें से आपको बताना है कि विच एलिमेंट इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्टीन फ्रॉम द राइट ठीक है राइट right से क्या है फिफ्थ और राइट right से क्या है फिफ्टीन तो जब भी ये सेम सेम आपको दिया गया हो सेम सेम राइट या लेफ्ट तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो फिफ्टीन माइनस फाइव कितना होगा टेंथ तो टेंथ बता दो राइट right से वही आपका राइट आंसर होगा तो राइट right से टेंथ देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो आपका आंसर होगा नाइन यानी कि ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन था बट एग्जाम में पूछता है इतना भी हाई लेवल नहीं है कि आपको बस मुश्किल तब लगती है एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कुछ पजल टाइप या कुछ सीटिंग अरेंजमेंट टाइप उसी के बेस पर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि एग्जाम बहुत कठिन है चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपके पास सिलोगिज्म का ये क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि कौन सा सही है तो इसको हम लोग 150 मेथड से बनाते हैं देखेंगे कि हमारा कौन सा सही है और कौन सा रोंग है ठीक है देखो फिर पहला देखो भाई ऑल ब्लू इज ब्लैक तो ऑल की वैल्यू 100 होती है और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट 50 होगा सम ब्लैक इज नॉट व्हाइट सम की वैल्यू 50 होती है स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सेकंड एलिमेंट 100 होगा और नो व्हाइट इज ग्रे तो नो की वैल्यू हंड्रेड होती है और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सेकेंड एलिमेंट हंड्रेड होगा पहला जो कंक्लूजन आपको चेक करना है सम ब्लैक बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी तो ब्लैक और ब्लू में आपको रिलेशन बनाना है देखो तो ब्लैक और ब्लू आपके सामने दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही. तो दिया हुआ है कि ऑल ब्लू इज ब्लैक तो ऑल ब्लू इज ब्लैक तो ऑल के केस में अगर हम ए टू बी जाते हैं ए टू बी तो कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती लेकिन जब बी टू ए जाते हैं बी टू ए जब भी जाओगे तो ऑल के केस में आपकी सम और ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है सम और ऑल की पॉसिबिलिटी यानी कि ब्लू से ब्लैक तो सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी बट ब्लैक से ब्लू एक तो ऑल और एक सम सही होगा बट यहाँ दिया गया है सम तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी क्लियर है सेकंड है सम ब्लैक इज ग्रे तो सम ब्लैक इज ग्रे के लिए मुझे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा और तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद क्या निकलेगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है बट जो आपका कंक्लूजन है सम ब्लैक इज ग्रे ये पॉजिटिव दिया गया है तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता और पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता इसीलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो इसलिए जो आंसर बनेगा यहाँ से वो बनेगा ऑप्शन ई नाइदर वन नोर टू फॉलोज कि ना तो पहला और ना ही दूसरा फॉलो करता है क्लियर है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है हालांकि ये ओल्ड पैटर्न से ही है अब तक जो आपके एग्जाम में पूछता आया है बहुत बार हम नए पैटर्न से करवाते हैं मन मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन आपके उस टाइप के होने चाहिए जो आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिले होंगे ठीक है चलो तो यहाँ से कंपेयर करना है आपको दोनों तरफ और देखना है कि किसका कोड क्या बनेगा तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अब्रोड रिटर्न हैप्पी स्टार्ट तो रिटर्न जस्ट डिस्प्यूट तो यहाँ पे आपका देखो रिटर्न यहाँ भी है यहाँ भी है तो रिटर्न की कोडिंग किसके साथ हो जाएगी भाई रिटर्न की कोडिंग यहाँ पे देखो क्या कॉमन है तो यहाँ पे आपका जो कॉमन है वो एच कॉमन है तो रिटर्न को कोड किया गया होगा किससे एच बी से ठीक है नेक्स्ट देखो अगर फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करें तो हैप्पी स्टार्ट और अब्रोड में से अब्रोड आपका कॉमन है अब्रोड यहां भी है अब्रोड यहां भी है और इन दोनों में कॉमन क्या है देखो एम टी जी यू एस टी एम टी जी यू एस टी तो जी यू आपका कॉमन है ठीक है तो जी यू आपका कॉमन है तो अब्रोड की कोडिंग हुई होगी आपकी जी यू के साथ तो अब्रोड को कोड किया गया है जी यू के साथ अगर फर्स्ट को लास्ट से स्टार्ट में तो हैप्पी आपका कॉमन है और यहाँ पे एम टी और जी यू तो जी यू तो हो चुका है तो एम टी और एस टी में से देखो एम टी और एस टी में से एस टी आपके पास तो मतलब हैप्पी की कोडिंग हुई है एस टी के साथ तो हैप्पी को कोड किया गया एस टी के साथ अब बच गया कौन स्टार्ट स्टार्ट की कोडिंग हुई है एम टी के साथ तो स्टार्ट का कोड होगा आपका एम टी ठीक है अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे डिस्प्यूट और यहाँ भी डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट से डिस्प्यूट और कट जाएगा तो इधर देखो क्या कॉमन है भाई एन एच पी टी टीके तो टीके तो मतलब डिस्प्यूट की कोडिंग हुई होगी टीके के साथ डिस्प्यूट को कोड किया गया है टीके के साथ ठीक है लास्ट के साथ कंपेयर करूँ तो पीस यहाँ भी है और जस्टिस यहाँ भी है तो मतलब आपका पीस और पीस तो यहाँ पे देखोगे तो डी ए पी यू में से क्या है डी ए तो मतलब कि आपका जो पीस है पीस की कोडिंग हुई है डी ए के साथ तो पीस की कोडिंग हुई है डीए के साथ भाई ठीक है तो ये फिर जस्टिस के लिए आपका क्या बच गया जस्टिस के लिए आपका बच गया पी यू तो जस्टिस की कोडिंग हुई होगी पी यू के साथ ठीक है सारे कोड ऐसे इसी तरीके से बनाने हैं अगर लास्ट में देखूं तो स्पेशल और डिस्प्यूट बच गया और यहाँ डिसाइड और वर्डिक्ट बच गया डिस्प्यूट तो आ चुका है तो डिस्प्यूट की कोडिंग तो टीके के साथ हुई है तो ये भी गया तो मतलब स्पेशल की कोडिंग हुई है आर एक्स के साथ तो स्पेशल को कोड किया गया है आर एक्स के साथ और यानी कि डिसाइड और वर्डिक्ट डिसाइड और वर्डिक्ट में से किसी एक की कोडिंग हुई होगी किसके साथ एन एच या पीटी के साथ तो सभी को कोड करके देख लिया हमने किसकी कोडिंग किसके साथ हुई है अब देखो क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन है इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डाज द कोड पीटी स्टैंड फॉर तो पीटी की कोडिंग किसके साथ तो देखो पीटी और एनएच में से या तो डिसाइड है या वर्डिक्ट है तो डिसाइड और वर्डिक्ट में से कोई भी एक होगा तो यहाँ पे या तो डिसाइड है या वर्डिक्ट है तो आइदर वर्डिक्ट और डिसाइड तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लियर है जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इलेवन वट इज द कोड फॉर पीस इन द गिवन कोड लैंग्वेज तो पीस का कोड क्या है डी ठीक है तो डी ए दैट मीन ऑप्शन डी फिर से आपका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो वट इज द कोड फॉर रिटर्न इन द गिवन कोड लैंग्वेज तो रिटर्न की कोडिंग देखो किसके साथ हुई है रिटर्न की कोडिंग हुई है एच बी के साथ तो एच बी यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट right आंसर है क्लियर है जी चलिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड थ्रो आउट ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन दर्ड एज दे हैव बिटवीन दैम इन द इंग्लिश एल्फामेटिकल सीरीज तो पहले पूरा वर्ड लिख लेंगे टी एच आर ओ यू जी एच ओ यू टी थ्रो आउट ठीक है अब इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए बहुत ईजी होगा करना टी की प्लेस वैल्यू ट्वेंटी होती है एच एट होता है आर एटीन होता है ओ फिफ्टीन होता है यू ट्वेंटी वन जी सेवन एच एट ओ फिफ्टीन U21 और T आपका 20. अब देखो 20 से अगर स्टार्ट करूं तो कोई भी नहीं आएगा इस सीक्वेंस के अंदर 8 से देखूं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है 18 से भी नहीं है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 वन नहीं है ट्वेंटी से भी नहीं है सेवन एट एक पेयर तो यह बन गया आगे नहीं होगा एट से देखू नहीं होगा नेक्स्ट भी नहीं होगा 15 से 20 अब रिवर्स देखेंगे तो 20 से बन गया ट्वेंटी आगे नहीं बनेगा ट्वेंटी वन से छोटे हैं सारे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नहीं बनेगा फिफ्टीन से एट से एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नहीं बन रहा एट से सेवन से भी नहीं बन रहा ट्वेंटी वन से छोटे हैं फिफ्टीन से नहीं बन रहा एक ये बन जाएगा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो टोटल कितने पेयर बन गए थ्री तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है क्लियर है जी सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को इतने जोश और उत्साह के साथ देखने के लिए और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सही टाइम पे उचित जानकारी मिल पाए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन पर कॉल कर सकते हैं या हेलो एट द रेट एडोटैप डॉट को डॉट इन पर मेल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के अधिक जानकारी के लिए आप डब्ल्यू 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 डॉट एडोटैप डॉट को डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं तो चलिए फिर थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ तब तक जय हिंद जय भारत